फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको सी 61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार ना रिबूट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आइए तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका पेज आते से ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब आपको इसके अंदर स्टोरेज पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। तो आपका पेज आएगा, इसमें आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो क्लियर कैच के इस पेज में ओके पे टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करिए तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना फैक्ट्री रीसेट की ऑप्शन शो होता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे ना, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।